हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज जो है जिस मुद्दे के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप सभी से एक पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको बायस और वेरिएंस के बारे में बिल्कुल भी कोई भी आइडिया नहीं है, आपको पता ही नहीं भाई बायस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, तो भैया चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने प्रबंध कर रखा है, हमने पहले ही वीडियो बना रखा है। बस वो वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे बायस और वेरिएंस को काफी आसान भाषा में मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, वो एक बार देख लीजिए। बायस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, वो एक बार समझ लीजिए, फिर जब आप इस वीडियो पे आओगे तो इसे समझना, इस कंटेंट को समझना आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा और मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा आप तक इसे कन्वे करना, ठीक है। तो पहले वो वीडियो देख लो, अभी मैं शुरू कर रहा हूं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ एक्सप्लेन करना बाय यूजिंग दिस रिप्रेजेंटेशन, बाय यूजिंग दिस ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, बाय अज्यूमिंग कि भाई आप लोगों को पता है बायस और वेरिएंस क्या होता है, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं। अब ये जो मैंने ग्राफ कंसिडर किया है इसे हम लोग धीरे 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 करते हुए बिल्ड करते जाएंगे और फिर बहुत सारी चीजों को समझते जाएंगे पैरेलली, ठीक है। अब इसमें सबसे बेसिक चीज जो है वो वाई एक्सिस पे आपको प्रिडिक्शन एरर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? प्रिडिक्शन एरर। और यहां पे एक्स एक्सिस पे मॉडल की आपकी कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी, हाई लो हाई लो। मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी का ये लो एंड है, ये हाई एंड है, प्रिडिक्शन एरर का ये लो एंड है और हाई एंड है, ओके। अब हम लोग मोस्टली जब हम डेटा के बारे में बात करते हैं तो मोस्ट प्रोमिनेंटली ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा, ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा, इन दोनों की बात होती रहती है, बराबर। तो भाई शुरुआत कहां से की जाए, तो यहां से हम इनिशियली शुरुआत करते हैं, इस पोजीशन से। ये जो रेड कलर है इससे मैं टेस्ट डेटा को डिनोट करूंगा और ये जो मेरा ग्रीन कलर है इससे मैं अपने ट्रेनिंग डेटा को डिनोट करता हूं, ठीक है। अब यहां से शुरुआत हम करने वाले हैं, आगे कर्व जो है वो ड्रॉ करने वाले हैं, लेकिन ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, बराबर। अब ये जो मेरी लोकेशन है, ये जो मेरी पोजीशन है, यहां पे अगर आप देखोगे तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर आप देखोगे तो आपको लो मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। एट दिस पोजीशन यू विल बी ऑब्जर्विंग कि आपकी मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी लो एंड पे है, इनिशियली लो ही होती है मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। और उसी साथ साथ अगर आप प्रिडिक्शन एरर भी देखोगे तो ये पोजीशन जो है वो आपके हाई प्रिडिक्शन एरर रेंज में आती है। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू दिस फैक्टर, ड्यू टू द लो वेरियंस एंड हाई बायस बिहेवियर, ड्यू टू द लो वेरियंस एंड हाई बायस बिहेवियर। अब ये क्या होता है, ये मैं पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से विजुअल रिप्रेजेंटेशन के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको ये चीज समझ में आए। तो ये बिहेवियर जो है आपको ये लेफ्ट एंड ऑफ ग्राफ में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई शुरुआत हम यहां से कर रहे हैं। अब देखते हैं कौन सा रास्ता जो आपका टेस्ट डेटा है और ट्रेनिंग डेटा है लेता है। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, हम अपनी मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं। इनिशियली वी वांट कि हमारी मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़े ताकि जो हमारा मॉडल है वो थोड़ा एक्यूरेट हो सके, उसका प्रिडिक्शन एरर थोड़ा कम हो, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, यही हम चाहते हैं, ठीक है। तो हम इनिशियली क्या करते हैं, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना शुरू करते हैं, लो एंड से हाई एंड में मूव करना हम शुरू करते हैं। तो लेट्स सी द बिहेवियर और लेट्स सी द पाथ दैट टेस्ट डेटा टेक्स, कौन सा रास्ता लेता है, कैसा रास्ता लेता है। तो ट्रेनिंग डेटा आपका शुरू होता है, ये वो कर्व जनरेट करना शुरू करता है जैसे जैसे आप अपनी मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाते हो। एट अ पॉइंट तक उसका प्रिडिक्शन एरर कम ही रहता है, लेकिन जैसे ही आप मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ाना चालू करते हो, हाई एंड तक जाते हो, तो आपका जो ये कर्व है कुछ इस तरीके से जाता है, कुछ ऐसी पाथ वो ले लेता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि एट अ पॉइंट के बाद आपका प्रिडिक्शन एरर वापस से बढ़ना शुरू होता है। ये मैं टेस्ट डेटा की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये टेस्ट डेटा की बात है। अब ट्रेनिंग डेटा कौन सा रास्ता लेता है, ट्रेनिंग डेटा भी क्या होता है, जैसे आपकी मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है वो भी कुछ इसी तरीके से जो पाथ है वो फॉलो करता है। और जैसे आप अपने हाई एंड रीजन में एंटर करते हो मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी के, वो कुछ इस तरीके से रुक जाता है यहां पे, इस पॉइंट पे। तो ये है आपका नेचर टेस्ट डेटा का और ट्रेनिंग डेटा कर्व का, ठीक है। तो आपने देख लिया भैया किस तरीके से जो अलग अलग रास्ते अपने टेस्ट डेटा और ट्रेनिंग डेटा निकल पड़े, टेस्ट डेटा इस रास्ते निकल रहा है, ट्रेनिंग डेटा इस रास्ते निकल रहा है। शुरुआत जहां से हुई थी, जो लेफ्ट पोर्शन था हमारा ग्राफ का, वहां पे हमने कौन सा बिहेवियर देखा, लो वेरियंस एंड हाई बायस। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो राइट हैंड साइड है, यहां पे हमें कौन सा बिहेवियर देखने को मिलने वाला है, वो है हाई वेरियंस एंड लो बायस, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से हमें सेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। लेफ्ट सेक्शन में लो वेरिएंस एंड हाई बायस, और यहां पर राइट सेक्शन में हाई वेरिएंस एंड लो बायस। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। और एक दो टर्म्स जो है वो मैं यहां पे इंक्लूड करना चाहता हूं। इस पर्टिकुलर लेफ्ट सेक्शन में आपको अंडर फिटिंग, इस
इस फंडे को आप विटनेस करोगे और जो राइट सेक्शन है वहां पे ओवरफिटिंग को आप विटनेस करोगे, ओवरफिटिंग को आप विटनेस करोगे। अब ये अंडरफिटिंग क्या होता है, ओवरफिटिंग क्या होता है, अगर आपको इसका बिल्कुल भी जरा सा भी कुछ भी आइडिया नहीं है तो चिंता मत करो, मैंने प्रबंध पहले कर रखा है, वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है एग्जाम्पल के साथ आसान भाषा में, ओवरफिटिंग क्या होता है, अंडरफिटिंग क्या होता है वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है। तो उस वीडियो की जो लिंक है वो मैं यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, देख लीजिएगा ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पे जो अंडरफिटिंग की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जहां पे लो वेरियंस और हाई बायस देखने को मिलने वाला है, आपका जो ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा है वहां पे इनएक्यूरेट प्रिडिक्शन रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज यहां पे हाई प्रिडिक्शन एरर थे, बराबर। यानी अंडरफिटिंग में आपको एक तरीके से चाहे वो टेस्ट डेटा हो या ट्रेनिंग डेटा हो, हाई प्रिडिक्शन एरर देखने को मिल जाएगा, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब आप ओवरफिटिंग के सेक्शन में चले जाते हो, राइट हैंड सेक्शन में चले जाते हो जहां पे हाई वेरियंस और लो बायस है, इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन फॉर टेस्ट डेटा यू विल ऑब्जर्व लेस प्रिसीजन, लेस प्रिसीजन यानी कि हाई प्रिडिक्शन एरर, ये आप ऑब्जर्व करोगे। लेकिन ट्रेनिंग डेटा के लिए ये थोड़ा अलग है, इन राइट सेक्शन फॉर ओवरफिटिंग ट्रेनिंग डेटा के लिए आपका जो प्रिसीजन है वो हाई होगा, यानी कि आपका जो प्रिडिक्शन एरर है वो लो एंड पे होगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ये सिंपल वे में आप इस पर्टिकुलर कर्व्स को, इस पर्टिकुलर ग्राफ को इस तरीके से ऑब्जर्व या एनालाइज कर सकते हो। हमारा अगला मुद्दा ये है दोस्तों कि अभी हमें ढूंढना है एक बेस्ट परफेक्ट ऑप्टिमल बैलेंस ऑफ प्रिडिक्शन एरर बिटवीन द टेस्ट डेटा एंड द ट्रेनिंग डेटा। एक और बार रिपीट करता हूं, हमें क्या ढूंढना है, वी हैव टू सिंपली नोटिस ऑब्जर्व द बेस्ट परफेक्ट ऑप्टिमल प्रिडिक्शन एरर, बैलेंस ऑफ प्रिडिक्शन एरर बिटवीन द टेस्ट डेटा एंड द ट्रेनिंग डेटा। अब वो कहां पे मिलेगा, अगर हम अभी लेफ्ट साइड में देखते हैं जहां पे अंडरफिटिंग है वहां पे टेस्ट डेटा और ट्रेनिंग डेटा दोनों के लिए आपका इनएक्यूरेट प्रिडिक्शंस देखने को मिल रहे हैं, दैट इज वाई यहां पे प्रिडिक्शन एरर बहुत ज्यादा हाई है। और अगर हम लोग राइट सेक्शन में देखें जहां पे ओवरफिटिंग है वहां पे दोनों ने अलग अलग रास्ते ले रखे हैं, टेस्ट डेटा ने जो है वो एक तरीके से अलग रास्ता लिया है जहां पे आपको प्रिडिक्शन एरर हाई देखने को मिलेगा, यानी कि इनएक्यूरेट प्रिडिक्शंस देखने को मिलेंगे, और ट्रेनिंग डेटा जो है आपका प्रिडिक्शन एरर के लो एंड पे है। तो अभी हमें यहां पे एक बैलेंस चाहिए, दैट इज व्हाट आई वाज आस्किंग कि अभी हमें क्या ढूंढना है, एक परफेक्ट ऑप्टिमल बैलेंस ऑफ प्रिडिक्शन एरर बिटवीन द टेस्टिंग डेटा एंड ट्रेनिंग डेटा, जो हमें एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं मिलने वाला, वो कहीं तो बीच में मिलेगा। तो हमें बीच का सॉल्यूशन कहीं से निकालना है, तो बीच में जो सॉल्यूशन है वो है यहां पे मिडवे, द मिड सेक्शन। तो यहां पे ये जो मिडवे है, दिस मिडवे, इसे हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ, इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपली ट्रेड ऑफ। तो ये जो मिडवे है, दिस मिड ग्राउंड इज सिंपली द इलस्ट्रेशन ऑफ बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ, इट इज सिंपली द इलस्ट्रेशन ऑफ बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ, जो आप यहां पे देख पा रहे हो। एक तरीके से आपको एक बैलेंस दिख रहा होगा, ओके, यू कैन फाइंड द ऑप्टिमल बैलेंस ऑफ द प्रिडिक्शन एरर बिटवीन द टेस्ट डेटा एंड ट्रेनिंग डेटा, एंड वी हैव फाउंड इट इन द मिडल। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो भाई साहब, अभी तक मैंने जितना आपको इस वीडियो में बताया, अगर वो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, आपको लगा होगा यार बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, तो भाई साहब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।